दोस्तों, मैं हूं पुनकंद टेक क्लब एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं अपने इन न्यू ईयरफोन्स का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। सो इस यूनिट का नेम है साउंड मैजिक ES10C। ये मैंने अमेजोन से इन रेयर ऑफर 899 में ही बाय किया था, बट इसका एक्चुअल प्राइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं है 1699 एंड ये डील मेरे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल था। एंड इन केस अगर सेम डिस्काउंटेड रेट में ये ईयरफोन कभी सेल में आता है तो आई विल शेयर इट विथ यू गाइज ऑन माई फेसबुक ग्रुप। ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वापस चलते हैं हम इन ईयरफोन की तरफ। एंड सो ये है पैकेजिंग एंड इसमें जस्ट रेगुलर स्टफ लिखे हुए हैं। आई एम श्योर कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं टू नो व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, सो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। बॉक्स ओपन करते ही हमें मिल जाता है ये शानदार ब्लू कलर में साउंड मैजिक ES10C। ये ईयरफोन आपको अमेजोन में 3 कलर वेरियंट में मिल जाते हैं, ब्लैक, गोल्ड एंड ब्लू। नेक्स्ट आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाता है ये ईयरफोन पाउच। पाउच की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। अगर आप अपने ईयरफोन्स को इस पाउच के अंदर रखते हैं तो डेफिनेटली ईयरफोन्स को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। सो पैकेज के अंदर इतना ही। नेक्स्ट आपको इस पाउच के अंदर काफ़ी आइटम्स मिल जाते हैं। सबसे पहला आइटम है ये अडैप्टर। ये अडैप्टर उन कंप्यूटर्स के लिए है जिनमें ऑडियो एंड माइक का सेपरेट जैक होता है। नेक्स्ट आपको एक कॉलर क्लिप मिल जाता है। इसको आप कुछ इस तरीके से अपने ईयरफोन केबल में लगा सकते हैं एंड इस क्लिप को अपने शर्ट से अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये ईयरबड्स का पाउच मिल जाता है। आपको यहाँ पर 8 ईयरबड्स यानी 4 पेयर्स ऑफ ईयरबड्स मिल जाते हैं। एट लास्ट आपको मिल जाता है ये सेलफोन अडैप्टर। सो अब हम वापस चलते हैं मेन प्रोडक्ट इन ईयरफोन्स की तरफ। इस यूनिट के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे स्पीकर्स को प्रोटेक्शन इन मेटल शेल का दिया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 3 मल्टी फंक्शनल बटन्स मिल जाते हैं एंड ठीक इनके पीछे आपको मिल जाता है माइक। एट लास्ट यहाँ पे है ये 3.5 mm जैक कनेक्टर एंड यहाँ पे आपको पिन में गोल्ड प्लेटिंग देखने को मिल जाता है। ऑल्सो हम इन वायर्स की बात करें तो इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड दे फील रियली स्ट्रांग। बट मेक श्योर कि आप इन ईयरफोन्स को डायरेक्टली पैंट्स की पॉकेट में ना डालें, इन ईयरफोन पाउच को यूज में लें। नाउ टॉकिंग अबाउट द साउंड क्वालिटी, इस ईयरफोन के साथ आपको साउंड क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बास ओवरपावरिंग नहीं है, बट अगर आप ओवरपावरिंग बास पसंद करते हैं तो आप म्यूजिक प्लेयर के इक्वलाइजर सेटिंग्स में जाके बास वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ये ईयरफोन काफ़ी अच्छा बास आउटपुट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेली लाइफ सिनेरियोज के बारे में, जहाँ पे ये ईयरफोन्स डेली काम में आते हैं एंड लेट्स सी कि ये ईयरफोन्स वहाँ पे कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे मेन थिंग तो हो गया म्यूजिक लिसनिंग एंड जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये ईयरफोन ज़्यादा बासी साइड में नहीं है। यहाँ पे आपको ऑडियो क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाता है, सो आप इन ईयरफोन्स के साथ सॉन्ग्स के वोकल्स को काफ़ी इंजॉय करेंगे। बट अगर आप बास हेड हैं तो वरी नॉट, आप म्यूजिक प्लेयर के सेटिंग्स में जाके इक्वलाइजर सेटिंग्स में बास वैल्यूज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड ये ईयरफोन बास का आउटपुट भी काफ़ी बढ़िया देता है। नेक्स्ट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज फॉर ईयरफोन्स आर टू वॉच मूवीज और एनी अदर वीडियो कॉन्टेंट। फॉर दैट एज आई सेड, इन ईयरफोन्स का वोकल्स काफ़ी बढ़िया है, आप डायलॉग्स काफ़ी क्लियरली सुन पाएंगे। इन माई ओपिनियन अगर आप मूवीज जिनमें डायलॉग्स ज़्यादा होते हैं लाइक अ रोमांटिक और मे बी ए बायोपिक टाइप मूवी, तो उनमें डिफॉल्ट ईयरफोन सेटिंग्स आर ऑसम। बट अगर आप कोई एक्शन टाइप मूवी देख रहे हैं देन मे बी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बास को इंक्रीज कर सकते हैं, इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू डू ऑन माई मोबाइल इज गेमिंग एंड ट्रस्ट मी गाइज, एक अच्छा ईयरफोन आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम फॉर मोबाइल, पबजी। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप एक डिसेंट ईयरफोन वाइल प्लेइंग दिस गेम यूज़ नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग अ लॉट। पबजी जैसे गेम में आपको इस ईयरफोन के फीचर्स लाइक स्टीरियो एंड डायनेमिक साउंड सिस्टम काफ़ी यूजफुल होंगे। आप विद दीज फीचर्स डिटेक्ट कर पाएंगे कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, लाइक आपके आजू बाजू किस डायरेक्शन में एनिमीज चल रहे हैं और मे बी किस डायरेक्शन से फायरिंग हो रही है। सो इस ईयरफोन के ये फीचर काफ़ी यूजफुल हैं फॉर दिस पबजी गेम एंड ऑल्सो फॉर अदर सिमिलर गेम्स। सो दिस इज इट गाइज, आई होप कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये ईयरफोन इन ऑफर 899 में ही बाय किया था, बट एज पर लॉट्स ऑफ रिव्यूज ऑन इंटरनेट ये ईयरफोन बेस्ट ईयरफोन अंडर ₹2000 की कैटेगरी में आता है एंड डेफिनेटली इट्स वर्थ अ शॉट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो फॉर मोर सच ऑसम टेक रिलेटेड वीडियोज प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस बेल आइकन में क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो अपलोड्स का नोटिफिकेशन आ जाए।